दोस्तों, कॉलीफ्लावर, कैबेज और ब्रोकली, यानी कि बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, ये तीनों ही क्रॉप एक जैसी हैं और इनकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर ग्रोइंग पैटर्न है वो लगभग एक जैसा है, और ख़ास तौर से जो इनकी सीडलिंग्स ग्रो करने का तरीका है वो भी लगभग एक जैसा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, कैबेज यानी कि बंद गोभी और ब्रोकली यानी कि जो ग्रीन कलर की ये गोभी होती है, ब्रोकली के नाम से मशहूर होती है, इनके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप इनकी पौध तैयार करते हैं समय आपको किन किन सावधानियों का किन किन चीज़ों के बारे में आपको अलर्ट रहना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है कि आपकी सीडलिंग्स है वो एक प्रॉपर ढंग से तैयार हो और एक हेल्दी सीडलिंग्स तैयार हो। दोस्तों, हेल्दी जो सीडलिंग होती है यानी कि जो एक स्वस्थ पौध होती है उसकी दो बेसिक आइडेंटिफिकेशंस हैं, आप कह सकते हैं पहचान है। अगर वो ये दो जो पैरामीटर्स हैं, कोई भी सीडलिंग्स अगर इन पे खरा उतरती है तो आप समझ सकते हैं कि वो सीडलिंग्स की क्वालिटी बेहतर होगी, और अगर आपकी सीडलिंग्स की क्वालिटी बेहतर होगी तो आपकी जो फील्ड में जब वो सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट होगी तो आपकी जो मेन क्रॉप होगी वो बेहतर होगी, और मेन क्रॉप के बेहतर होने से जो आपका प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, काफ़ी ज़्यादा इस पर एक तरह से डिपेंड रहेगा। दोस्तों, सीडलिंग्स में हाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा पैरामीटर है रूट डेवलपमेंट। हाइट दोस्तों, जनरली जो हमारे 99 कैविटी की प्रो ट्रे होती है उसकी जो कैविटी की डेप्थ जो होती है वो करीब 1.5 इंच के आसपास होती है। आप अगर मेजर करेंगे तो आपको देख पाएंगे कि वहाँ पे करीब 1.5 इंच की डेप्थ होती है, और इसी के अंदर हमारा रूट जोन बनता है, यानी कि हमारी जो सीडलिंग्स की जड़ें होती हैं वो इस 1.5 इंच की कैविटी के अंदर होती हैं। यहीं पर हमें सभी ज़रूरी न्यूट्रेंट्स देने हैं, और हमारी सीडलिंग्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रूट डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, रूट डेवलपमेंट जितना बेहतर होगा हमारी सीडलिंग्स उतनी बेहतर होगी, पर रूट डेवलपमेंट में भी आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। रूट डेवलपमेंट दो तरह से होता है। एक दोस्तों, मैं थोड़ा सा और बुनियादी पहलू पे जाना चाहूँगा कि जो जड़ों के जो टाइप्स होते हैं, रूट्स के जो टाइप होते हैं, उनको अगर हम बेसिकली देखें तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है टेप रूट सिस्टम, और दूसरा होता है एडवेंशियस रूट सिस्टम। जो टेप रूट सिस्टम होता है ये हमारा जो ये बड़े ट्रीज होते हैं, यानी कि जो हमारे डाइकोटिलेडन्स होते हैं जिनकी जो सीड्स दो भागों में टूट जाते हैं उनके जो रूट्स होते हैं ये टैप रूट सिस्टम होता है। यानी कि इसमें एक हमारी मेन रूट होती है जो वाटर एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद इसमें से सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, और जहां पर भी हमारा सरफेस होता है, सॉइल सरफेस या फिर हमारे मीडिया का सरफेस होता है, वहीं से एक मेन रूट आएगी और उसमें से साइड में से सेकेंडरी रूट्स निकलती है। पर जो एडवेंशियस रूट सिस्टम होता है इसमें सॉइल सरफेस के पास से ही हमारे रूट्स का गुच्छा निकलना शुरू हो जाता है, और हमारी टैप रूट यानी कि जो मेन रूट होती है वो हमें इस वाले केस में मिसिंग होती है। तो दोस्तों, रूट सिस्टम का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि रूट का पूरा गुच्छा हमारे हमें बने, पर हमारी अच्छी रूट सिस्टम या हेल्दी रूट सिस्टम का मतलब यह भी होता है कि हमारे वेजिटेबल्स की जो सीडलिंग्स होती है, पौध की जो रूट सिस्टम होता है, रूट जोन होता है, उसमें रूट हेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि दोस्तों, रूट हेयर्स के ऊपर ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एब्जॉर्बर आप कह सकते हैं, या चूसने वाली स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रूट हेयर्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए रूट हेयर्स का बेहतर ज़्यादा होना अच्छे रूट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, ना कि गुच्छा पूरा होना, ये जरूरी नहीं है। और रूट हेयर्स का जो कलर होता है ये व्हाइट क्रीमी कलर होता है। अगर आपके रूट सिस्टम का कलर या रूट जोन में रूट हेयर्स का कलर डार्क ब्राउन से लेके ब्लैकिश है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे फंगल कंटामिनेशन शुरू हो चुका है। तो व्हाइट क्रीमी रूट्स अगर हैं तो आप समझिए कि आपके जो रूट सिस्टम है वो बेहतर है। अच्छा रूट सिस्टम है तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा दोस्तों, हाइट जो होती है ये अगर आप इसको इंचज में नापे तो हमारा जो हमने जो सीडलिंग्स प्रोडक्शन का काम किया है, जो हमारा पैकिंग बॉक्स होता था, ये 6 इंच से 8 इंच क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है ये 6 से 8 इंच की होती है। 8 हमारी अपर लिमिट होती है, और ये टमाटर या फिर जो कुकुरबिटेसी वाली क्रॉप्स होती है जैसे कि खीरा है, और खासतौर से बोटल जो बोटल गॉर्ड होता है, घिया जो होता है, लौकी, उसकी सीडलिंग्स काफ़ी हाइट लेती है। पम्पकिन की सीडलिंग काफ़ी ज़्यादा हाइट लेती है, तो उस केस में 8 इंच की जो एक लेंथ चल जाती है। पर कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम भी आप थोड़ा सा हाइट ज़्यादा लेती है, और कॉलीफ्लावर, कैबेज और ब्रोकली, ब्रिंजल की भी आप कह सकते हैं थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होती है। पर जो क्रूसीफेरी फैमिली की क्रॉप्स होती हैं, इनका स्टेम जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ही बेहतर हमारी सीडलिंग होगी। तो इसका जो हाइट होगी ये करीब 4 से 6 इंच के बीच में अगर है तो आप कह सकते हैं कि ये बेहतर हाइट की पौध है। 4 से 6 इंच या 5 इंच आप एवरेज ले सकते हैं। 5 इंच की जो पौध होती है वो एक बेहतर हाइट है और अच्छा रूट सिस्टम है। तो दोस्तों, ये रूट सिस्टम और हाइट की बात मैंने आपसे कर ली है। अब हम बात करेंगे कि हम किन किन न्यूट्रेंट्स या फर्टिगेशन शेड्यूल हम फॉलो करें कि हमारी जो कॉलीफ्लावर या फिर कैबेज, ब्रोकली या फिर कहें कि क्रूसीफेरी फैमिली की जो सीडलिंग्स ये बेहतर हो। इनमें दोस्तों, ये क्योंकि
नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कॉलीफ्लावर या कैबेज का जो एक्चुअल सोइंग टाइम होता है या फिर जो इनका ग्रोइंग पीरियड होता है ये सितंबर से शुरू होता है, जब टेम्परेचर 30 से नीचे आना शुरू हो जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी थोड़ा सा कम होनी शुरू हो जाती है। पर लोग नॉर्थ इंडिया में अर्ली वेराइटीज लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मई जून में भी कॉलीफ्लावर भी लगता है और मई जून में बल्क बहुत बड़े स्केल पे आप कह सकते हैं कि कॉलीफ्लावर की पौध से क्रॉप तैयार की जाती है। और इसमें भी मैंने एक पीछे एक वीडियो में जिक्र किया था कि सिजेंटा कंपनी की CFL 15-22 डोमिनेट करती है और इनकी एक 50-13 है 60-99 ही शायद वैरायटी का नाम है। ये भी सिजेंटा की एक वैरायटी है CFL 60-99, ये भी काफ़ी एरिया कवर करती है। इसके अलावा कैबेज कॉलीफ्लावर में कोई ऐसी ब्रोकली में खासतौर से बिशप एक वैरायटी है। ये बिशप जो है ये कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, राइसवान कंपनी की है वैरायटी है। और इसमें जो हमारे ब्रोकली होती है इसमें मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं वीडियो के इसी पार्ट में आपको नाम जरूर बताऊंगा जो वैरायटी लगती है ब्रोकली में। बहरहाल वैरायटीज का हम अभी जिक्र नहीं करेंगे, हम फर्टिगेशन शेड्यूल की बात करेंगे। तो कॉलीफ्लावर में टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी साथ में करीब 85% से ऊपर जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपकी पौध में दिक्कतें शुरू हो जाती है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फंगस को अट्रैक्ट करती हैं। फंगल जर्मिनेशन के लिए ये आइडियल कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसलिए आप जहां भी कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स तैयार करें तो वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर को आप 35 या 30 के नीचे लेके आए मई जून में ये काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप ओपन फील्ड में सीडलिंग्स करते हैं तो वहां पर इस तरह की समस्याएं कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर एयर का फ्लो होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो फंगस की ग्रोथ वहां पर कम दिखती है और डैम्पिंग ऑफ या फिर रूट में होने वाले रूट रोट या फिर जो कॉलर रोट जैसी समस्याएं होती हैं वो वहां पर कम दिखती हैं। इसलिए आप फंगस से अपनी पौध को बचाएं। और टेम्परेचर कई बार ज़्यादा होने की वजह से हमारी सीडलिंग्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो चौकसी हो जाती है, इससे भी हमें अपनी सीडलिंग्स को बचाना है। तो आप पूरा मैं मेथड एक बार आपको बताता हूं जो मैंने फॉलो किया है और जो हमने करीब 4 से 5 साल हमने फॉलो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आप सीड सोइंग करते हैं तो आप ये देख लें कि सीड्स दो तरह की पैकिंग्स में आते हैं। एक बड़ी पैकिंग होती है जिसमें करीब 10,000 सीड्स भी होते हैं और कईयों में 1,00,000 तक सीड्स होते हैं, इतनी बड़ी पैकिंग्स भी होती हैं। और एक ऐसी पैकिंग होती है 10 से 20 ग्राम की जिसमें करीब 2,000 से 3,000 के बीच में सीड्स होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप छोटी पैकिंग लें, क्योंकि बड़ी पैकिंग्स में सीड की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती और आपस में रगड़ खाने से भी उसकी सीड्स की जो शेप है वो भी बिगड़ जाता है या सीड का जो बाहर की अपेयरेंस वो डी शेप हो जाती है। तो आप छोटी पैकिंग लेना ही बेहतर समझें। दूसरा दोस्तों, जब आप सीड सोइंग करते हैं तो वही सेम मेथड है आपको, जो मीडिया होता है इसमें मल्टीप्लेक्स का जनरल लिक्विड मिक्स करना है और UPL कंपनी का साफ या कोई भी हल्का फंजीसाइड आप मिक्स करेंगे तो इनिशियल फंगल कंटामिनेशन से आपकी पौध को एक छुटकारा मिलेगा। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी वहां पर पूरी हो सकती है। सीड्स आपने सोइंग की और आपने उसको स्टैक्स में रख दिया है। आज अगर आप सीडलिंग्स की सीड सोइंग करते हैं आफ्टरनून से पहले, दोपहर से पहले आप सीड सोइंग करते हैं तो आप ये माने कि आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन, हो सकता है कल शाम को भी आपकी सीडलिंग जर्मिनेट कर जाए, नहीं तो परसों तो आपकी सीडलिंग्स 100% जर्मिनेट होती है। जब आपकी सीडलिंग्स में से आपको लगे कि 10 से 20% ग्रोथ या फिर स्प्राउटिंग हो चुकी है तो आप उसको स्टैंड पे शिफ्ट करेंगे या फिर आप उसको जमीन पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो सीडलिंग्स आप जमीन से जितना ऊपर रखेंगे, यानी कि हाईटेक अगर फार्मिंग आपकी है, ऊपर पॉलीशीट का कवर है, जितना आप पॉलीशीट के नजदीक अपनी सीडलिंग्स को लेकर जाएंगे आपकी सीडलिंग्स में डैम्पिंग ऑफ के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे हम सीट की तरफ जाते हैं तो बढ़ना शुरू होता है। और अगर हम जमीन पे अपनी सीडलिंग्स रखते हैं या फर्श पे रखते हैं, सरफेस पे रखते हैं, तो हमारी सीडलिंग्स में डैम्पिंग ऑफ की समस्या काफ़ी कम हो जाती है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है। जमीन पे रखी हुई सीडलिंग्स या जमीन के नज़दीक रखी हुई सीडलिंग्स में डैम्पिंग ऑफ के चांसेस एज कम्पेरेटिव टू उस सीडलिंग के जो ऊपर रखी है, स्टैंड के ऊपर रखी है, शीट के ज़्यादा करीब रखी है, वहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी आपके पास आप बंधे हुए हैं, आप एक ही जगह पर रख सकते हैं, तो आप जैसे ही 10 से 20% जर्मिनेशन आपकी सीडलिंग्स में आए, ट्रे के अंदर आए, तो आपको इस वाली स्टेज पे एक फंजीसाइड का स्प्रे करना है। हल्का फंजीसाइड आप ले सकते हैं, UPL कंपनी का साफ ले सकते हैं और ये मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम इसके अंदर टेक्निकल होते हैं, आप कोई भी कंपनी का ये टेक्निकल ले सकते हैं। सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट दोनों टाइप के फंजीसाइड इसके अंदर हैं, दोनों फंगस को कंट्रोल करते हैं और आपकी सीडलिंग्स जब जर्मिनेशन के जस्ट बाद स्प्राउट होती है, सीड के पास जितना भी स्टोर्ड मटेरियल होता है, फूड, वो यूज हो जाता है जर्मिनेशन के प्रोसेस में और ऐसे में फंगस उस पर अटैक कर सकता है क्योंकि वो उसका वीक पॉइंट होता है। इसके बाद आपको वहां पे स्प्रे करना है और हमने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने उस वाली स्टेज पे रिडोमिल गोल्ड जो है जिसमें मेटल एक्सिल और मैनकोजेब होता है उसका भी स्प्रे किया है, रिजल्ट काफी बेहतर मिले हैं, डैम्पिंग ऑफ की समस्या काफी कम देखने को मिली है। स्टैंड पे आप स्प्रे कर दे, आपको आप चेक कर सकते हैं, एक साइड की ट्रे पे आप ना करें और इन पे करें, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब तक आपकी सीडलिंग्स का कलर ग्रीन ना हो, यानी कि कहने का मतलब ये है
पौधे के पास खुद का क्लोरोफिल ना हो, उस पर आप कोई भी स्प्रे ना करें, किसी फर्टिलाइजर का स्प्रे ना करें, उसको ग्रीन होने तक का वेट करें, ये 2 से 3 दिन में आपका ग्रीनिश हो जाता है। तो आप पहले, सबसे पहले आप उसे वो सारे फर्टिलाइजर्स दें जिनमें रूट डेवलपमेंट के लिए कंपोनेंट्स हों, जैसे कि 12:61:0, इसमें 61% जो फॉस्फोरस है ये हेल्प करता है प्लांट्स को शुरू में रूट्स की ग्रोथ बेहतर करने में। एक बार आपकी रूट की ग्रोथ बेहतर हो जाती है तो फिर आपकी सीडलिंग्स की ग्रोथ भी बेहतर चल पड़ती है। आपको सीडलिंग्स को लैंकी होने से बचाना है, प्रॉपर सनलाइट आपको दिखानी है, और ध्यान ये भी रखना है कि कहीं ज़्यादा गर्मी से आपकी सीडलिंग्स खराब ना हो जाए, इसलिए जो सनलाइट मैनेजमेंट है ये बेहतर होना चाहिए। एक और बात आपको इन दिनों में जो हर सीडलिंग्स पे ध्यान रखनी है, आपको पानी दिन में सिर्फ एक ही बार देना है, और आप कोशिश करें कि पानी 11 बजे से पहले, सुबह 11 बजे से पहले अपने सीडलिंग्स में पानी लगाएं, और अगर कभी दिन में ज़रूरत पड़े तो 11 से लेकर 3 के बीच में कभी भी पानी ना दें, या पानी देने से बिल्कुल परहेज करें। ज़रूरत पड़ती है तो आप 3 बजे के बाद हल्का पानी दे सकते हैं, हालांकि वो पानी भी आपकी सीडलिंग्स में फंगस को इन्वाइट करेगा, पर 3 और 11 से 3 के बीच में दिया हुआ पानी आपकी पौधे के लिए जहर की तरह काम करेगा, क्योंकि इस टाइम जैसे ही आप पानी देंगे वेपर्स की फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेगा, और आपकी सीडलिंग्स में फंगल कंटामिनेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पानी आप सुबह अर्ली दें, 7, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे तक खत्म कर लें। कितना भी पानी आप दे सकते हैं, ट्रे के नीचे एक छेद होता है, एक्सेस वाटर वहां से लीच डाउन हो जाएगा, साथ में लीच डाउन होगा तो आपके न्यूट्रेंट्स को भी लेकर निकल जाता है, तो आप उसी हिसाब से पानी या वाटर मैनेजमेंट पर फोकस करें। जैसे जैसे आपकी सीडलिंग्स आगे बढ़ेगी आप रूट डेवलपमेंट के लिए एक कंपोनेंट और यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स कंपनी का एक प्रोडक्ट है जीवरस, जिसमें 12% ह्यूमिक एसिड होता है प्लस होता है फल्विक एसिड, ये दोनों ही कंपोनेंट प्लांट ओरिजिन के होते हैं, यानी कि आप इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन ह्यूमिक एसिड आपको मार्केट में डायरेक्ट फॉर्म में भी मिलेगा, जहां करीब 96% तक ह्यूमिक एसिड होता है, वो वाला ह्यूमिक एसिड आप यूज ना करें, आप जीवरस यूज करें, काफ़ी आजमाया हुआ प्रोडक्ट है। और मैं वीडियो में यहीं पर बताता चलूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है, मैं वही प्रोडक्ट आपके साथ शेयर या साझा कर रहा हूँ जिन प्रोडक्ट्स को हमने यूज किया है और जिनके रिजल्ट हमें अच्छे मिले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा ये लंबा होने वाला है क्योंकि अभी हमें इसके बारे में पूरा डिटेल शेड्यूल बनाना है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आखिर में आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जीवरस का आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे नए रूट हेयर्स बनने में हेल्प मिलती है, और अगर आप सर्दियों में कैप्सिकम पे जीवरस का यूज करते हैं तो आपकी मरी हुई सीडलिंग्स में भी ये रूट हेयर्स को इनिशिएट कर सकने की एक कैपेबिलिटी रखता है। इसमें आपको डोज क्या लेनी है, आप 2 से 3 ml के हिसाब से ड्रेंचिंग आपको करनी है, यानी कि आपको जड़ों में पानी देना है, या ड्रिप में भी आप चला सकते हैं, पर सीडलिंग्स में आप ड्रेंचिंग नहीं कर सकते, इसलिए मोटे फवारा जो हजारे होता है उसकी मदद से आप पानी के साथ 2 से 3 ml यूज करें, या फिर आप 1 से 2 ml भी यूज कर सकते हैं जीवरस। इससे आपकी प्लांट्स आपके मीडिया से न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, पर इससे पहले आपके प्लांट्स के पास न्यूट्रेंट्स होने चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको आपके पास 12:61:0 से नाइट्रोजन फॉस्फोरस हमें मिल चुका है। कैल्शियम नाइट्रेट कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैल्शियम जो कंपोनेंट होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हम ह्यूमन बींग्स में भी कैल्शियम जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, प्लांट्स की भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये एक सेल से दूसरी सेल बनाता है, तो हमारा जो स्टेम होता है, तना होता है, इसकी जो गर्थ होती है, मोटाई जो होती है, कैल्शियम के यूज से ये मोटा होना शुरू हो जाता है, हाइट थोड़ी सी रिड्यूस होती है। और अगर इसकी यूज करते टाइम आपको देखना है कैल्शियम नाइट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइजर की फॉर्म में हो, तो आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वीकली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट और यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, आप इसको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम इसमें एक ये देखने को मिल सकती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपस में रिएक्शन करते हैं, एक प्रेसिपिटेशन टाइप का बनाते हैं, थक्का जैसे साबुन फटता है, तो उससे आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आप बड़े छोटी डोज को बड़े पानी में ज़्यादा पानी में मिलाते हैं, कम डोज को ज़्यादा पानी में मिलाते हैं, वहाँ पर ये समस्या दिखती नहीं है, पर अगर आप एक टैंक में 10 किलो 20 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है, आपकी ड्रिप्स को ये चॉक कर देती है। पर इस वाली में जहाँ पे आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेंगे, जहाँ पे आप करीब 1 kg 1000 लीटर में डालते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम क्या हेल्प करेगा, ये क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेंट्रल एटम होता है, तो पौधा खुद से सनलाइट से भी फूड जनरेट करता है। इसके अलावा आपको 13:045 जो पोटास जिसमें होता है, ये हेल्प करता है डिजीज रेजिस्टेंस आपके प्लांट्स में देता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके पौधों को देता है। तो ये ऐसे तो लेटर स्टेज में यूज होता है सीरियल क्रॉप्स में, क्योंकि ये ग्रेन के साइज को भी ठीक करता है और ग्रेन की लश्चर को जो होता है चमक जो होती है उसे भी बेहतर बनाता है। पर सीडलिंग्स में भी इसका काफ़ी यूज है, क्योंकि हमारी सीडलिंग्स में जब इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं तो अगर वहाँ पर पोटास होता है तो ये हमारी सीडलिंग्स को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये जो क्रूसीफेरी की जो क्रूसीफेरस जो क्रॉप्स होती है, इसके जो लीफ जो होती है इस ये थोड़ी सी सकुलेंट होंगी, यानी कि इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा गूदा अगर होगा तो आप कह सकते हैं कि बेहतर सीडलिंग्स की पहचान है। इसलिए NPK 18:18:18 जो कंसंट्रेशन में आता है
आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पौध है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बेहतर होगी और लीव्स का कलर और उसकी जो एक तरह का कैनोपी होती है वो बेहतर होगी, चौड़ाई बेहतर होगी। तो आप एनपीके 18 18 18 को एक प्रोडक्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्स कंपनी का एक प्रोडक्ट है जी जनरल लिक्विड, इसमें लगभग सभी जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। आप उसके साथ वैसे जनरल लिक्विड की जो अपनी खुद की डोज है वो 2 से 3 ml है और जो एनपीके 18 18 है ये करीब रफली 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज करते हैं। तो आप इन दोनों डोजेस को हाफ कर लें, 1.5 ग्राम और 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी 3 ग्राम या 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप अपना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाएं और इसको भी आप वीकली यूज करें तो आपकी सीलिंग्स को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मैंने आपको कई प्रोडक्ट ऐसे बताए हैं जिनको यूज करना है, पर आप अपने विवेक से, अपनी इंटेलिजेंस से आप न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस को समझें, फंक्शंस को समझें और उसी हिसाब से यूज करें। एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, वो है पीएच। पीएच वैल्यू आपके पानी की काफी इंपॉर्टेंस रखती है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और अवेलेबिलिटी पे। जितने भी ज्यादा लोअर साइड में अगर एसिडिक कंसंट्रेशन का होगा तो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल होंगे प्लांट्स को, पर आपके पीएच की वैल्यू बढ़ती है ये बेसिक की तरफ जाता है तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे और इसकी जो रेंज है वो 6.5 से लेकर 6.5 to 8.5 इज द बेस्ट पीएच रेंज फॉर ऑल वेजिटेबल्स, फॉर ऑल सीडलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स। इसके अलावा आप ईसी का भी ख्याल रखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो लेस देन 1.0 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि 1000 जो मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर होता है उससे नीचे रहनी चाहिए, लेस देन वन होनी चाहिए। आप उतने ही फर्टिलाइजर्स इसमें ऐड करें कि ये 1 के आसपास रहे। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको वो जरूरी चीज़ें बताएं जो क्रूसीफेरी या फिर कॉलीफ्लावर कैबेज और ब्रोकली की सीडलिंग्स में ख्याल रखना है। शिशिर वो वैरायटी थी जो मैं कह रहा था कि ब्रोकली की एक अच्छी, बहुत अच्छी नॉनियो कंपनी की एक शिशिर एक वैरायटी है जो काफ़ी एक बेहतर वैरायटी है, आप ट्राई करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका इंडिविजुअल आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कॉलीफ्लावर के बारे में या कैबेज और ब्रोकली की सीडलिंग्स तैयार करते टाइम जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी और बची हुई है जो लैंकिनेस सीडलिंग्स में आती है, अगर आपको उसको रिड्यूस करना है तो आपको मैं कॉन्सेप्ट वाली बात बताता हूँ, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, आपके ऐसे भी लिटरेचर में ये काम आएगी। जब हम अपनी प्लांट्स के ऊपर या सीडलिंग्स के ऊपर किसी फंजीसाइड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि फंजीसाइड्स जो होते हैं लाइफ को कंट्रोल करते हैं, फंगस को रिड्यूस कंट्रोल या फिर किल करते हैं, तो साथ के साथ जो फंगस जो होते हैं प्लांट से काफी कुछ हद तक सिमिलर होते हैं, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है खासतौर से जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो इसको भी कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, चॉक कर देते हैं। तो ऐसे में जब जब आप हैवी फंगीसाइड्स यूज करेंगे तो आपके प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है, जमीन के अंदर या फिर मीडिया के अंदर जो पार्ट होता है यानी कि रूट जोन जो होता है वो प्रॉपर काम करता रहता है, वो डेवलप होता रहता है। इसी पॉइंट को हम यूज करते हैं सीडलिंग्स की हाइट को कंट्रोल करने के लिए। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है लिहोसिन के नाम से, एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में लिहोसिन, जिसका ये प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट है। अगर आप इसका स्प्रे अपनी सीडलिंग्स पे करेंगे, डोज एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपकी सीडलिंग्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है अगले हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के लिए रुक जाती है और आपके स्टेम जो होता है सीडलिंग का स्टेम तना ये काफी बेहतर हो जाता है। आप ये काम एक और तरीके से कर सकते हैं, एक फंजीसाइड है जो हम सीरियल क्रॉप्स में यूज करते हैं टिल्ट के नाम से, ये प्रोपिकोनाजोल इसमें 25% के आसपास होता है। अगर आप इसकी भी डोज लगभग आधा ml या फिर 0.25 ml पर लीटर के हिसाब से यूज करेंगे तो ये भी आपकी सीडलिंग्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है इसे रिड्यूस कर देता है, एक तरह से चॉक कर देता है। उसके बाद जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारी एनर्जी कन्वर्ट होती है स्टेम में और रूट जोन में, और इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट बेहतर सीडलिंग्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि बेटर रूट जोन और स्टेम की जो गर्थ होती है, मोटाई होती है, वो बेहतर होती है और सीडलिंग्स लैंकीनेस खत्म हो जाती है, सीडलिंग्स गिरती नहीं, स्टैंड सीधी खड़ी रहती है और ये एक बेहतर सीडलिंग्स की पहचान है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो से चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको अपना बेस्ट दूं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूं। आपका फर्ज है कि हर जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें, चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए सिर्फ चंद सेकंड्स का ये खेल है पर हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।